इसके लिए नए मिरर लाया हूँ। अगर देखने जाओ इनकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम मेजर है ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम बहुत मेजर है। आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल बन जाएगी, तो इसको हमने फिट कर दिया। यहाँ से गोली निकलेगी, जो भी सामने से नहीं हटेगा ना उसको हम गोली मारेंगे इसमें से। आई नो, अगर आप भी देख रहे हो जिसने ये मैसेज किया है तो आई एम सॉरी भाई, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। ये गोटियाँ हमेशा वापस आ जाती है भाई मेरे पास। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जाने वाले हैं हमारी गाड़ी के फिर से कान बदलने के लिए। कान मतलब ये मिरर्स, क्योंकि ये वाइब्रेशन दे रहे मुझे पसंद नहीं आ रहा ये, और ये लुक भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे अच्छा हम बदल देते। और मैंने जो आप लोगों को पिछले के पिछले व्लॉग में जो मिरर्स दिखाए थे वो मिरर्स हमने परचेस कर लिए है। नसीब मेरे इतने अच्छे हैं कि मुझे तो वो लिंक मिली थी इंस्टाग्राम से, और उसके बाद जब मैंने उन्हें एड्रेस भेजने का सोचा, उसके पहले मैंने सोचा कि चलो पूछ लेते हैं कि इनको कितना टाइम लगेगा डिलीवरी देने में। उनका रिप्लाई आया कि आप अपना एरिया बताइए। हमने हमारा एरिया बताया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि हम 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी दे सकते हैं। हमने बोला हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो पता चला कि बंदा हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो फिर उनसे थोड़ी वार्तालाप करने के बाद हम खुद जाके पर्सनली वो मिरर्स ले आए, बहुत ही अच्छे वाले। अरे भाई हट जा बीच में से टेम्पो, बहुत ही अच्छे वाले मिरर्स है वो। तो अगर आप लोगों को भी वो मिरर्स इंस्टॉल करने हैं मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आप लोगों को लिंक भेज देंगे। अगर मुंबई या महाराष्ट्र से हो तो भी DM करके बताना। ओ माई गॉड, बॉटल लीन। आप लोगों को शायद ये एंगल से वो लीन एंगल पता नहीं चलता होगा। वाह, ये एंगल से वो लीन एंगल। तो आजकल मैं, अरे तेरी माँ यार, सिग्नल मेरी बातें काटने के लिए भाई दुनिया ही काफ़ी है, सिग्नल, रास्ते क्रॉस करने वाले लोग। जब से मैंने वो सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम वाला वीडियो बनाया है तब से मुझे DMs कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। वो दिक्कत नहीं है कि DMs बढ़ गए, दिक्कत ये है कि यार बेचारे जितने लोगों ने बाइक ली है ना, हर एक बंदे को दिक्कत आ रही है, और मेरे पास वो प्रॉब्लम्स के काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसमें जो एक कॉमन सबकी गाड़ी में आ रहा है, मतलब जो 3 से 4 बाइक्स में आई है, वो है इंजन ऑयल लेवल लो। अब वो ऑयल लेवल लो कैसे आ रहा है पता नहीं, क्योंकि एक बंदे ने ड्यूक 250 ली है, 200 सॉरी जो पुरानी वाली है उन्होंने 200 बताया, 250 होनी चाहिए पता नहीं। तो उनकी ड्यूक 250 में या 200 जो भी है उसमें ऑयल लेवल लो दिखा रहा है। एक बंदे ने KTM 390 ली है, नई की नई अपनी वाली, उसको 2 दिन हुआ है, उसमें भी ऑयल लेवल लो दिखा रहा है। किसी में कूलेंट लो दिखा रहा है। और जो दिक्कत मैंने बताई थी वो वीडियो वाली जिसमें वो एयर वाला साउंड आ रहा था, वो भी दिक्कत और 2 बाइक्स में आ गई है। दूसरे वाले का बोलना ये है कि जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है ना 30 के स्पीड के ऊपर, तो बाइक इनटेक में ज़्यादा विंड ले रही है, वैसा साउंड आ रहा है। कंपनी को पूछा, कंपनी उसको बता रही है कि ये तो हर KTM में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बाइक में ऐसा साउंड नहीं आता है। कंपेयर्ड टू दीज पीपल मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखने जाओ इनकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम मेजर है ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम बहुत मेजर है। क्या पता अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या ही कर बैठता यार बेचारे। मतलब वो लोग कैसे, क्या वो लोग पे बीतती है भाई, कैसे मतलब कितना गुस्सा कंट्रोल करते रहेंगे भाई वो लोग। 4 लाख रुपए डाल रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट, और उसमें अगर ये सब मिलता है तो सॉरी, कितनी प्रॉब्लम तो मैंने शायद याद नहीं है, बताई नहीं मैंने आपको, बाद में बताऊंगा। पहले हम हमारा मिरर वा लगा लेते हैं। मिरर वा लगाने के लिए हमको चाहिए हमारा चीता, जो पानी को छोड़ के सब कुछ है पीता। कहाँ गया वो, ये रहा। इसके लिए नए मिरर लाया हूँ मेरे खुद के लिए, मेरे कान पे लगाएगा इसके लिए, वो इंस्टॉल कर ले, लेकिन थोड़ा मेहनत है। वो मिरर इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, और R15 या कोई भी फेयरिंग बाइक रहती तो वहाँ पे भी लगता है। अपने पास तो वो नहीं है, लेकिन अपने को व्यूवर्स को ये दिखाना है कि यहाँ पे कैसे लगाते हैं और यहाँ पे कैसे लगाते हैं, तो तुझे दोनों जगह पर लगा के दिखाना पड़ेगा। समझ में आई मिरर तो बता, समझ में आया क्या? मिरर तो मिरर देखेगा पहले, इधर और इधर दोनों बाजू लगा के दिखा, नहीं लगाने लगा दूसरे के बाद तो चलो पार्किंग कर लेते हैं। इधर गियर पे रखनी पड़ेगी क्योंकि बाइक स्लोप में,
वही आइलैंड की में पूरा गेम है ना। मेरा हार भी निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, निकलेगा हार नहीं निकलेगा ना। ऐसे कैसे निकलेगा? ये पूरा बोल्ट है क्या? ये थोड़ी पूरा बोल्ट है। महारानी का हार हैंडल में बांध ले। अबे जब से ये मिरर लगाया ना, वाइब्रेशन बहुत बढ़ गया अभी हाथ पे। मतलब समझा गया क्या होता है? वो बढ़ा हैवी है ना, इसीलिए तो तकलीफ दे रहा है। तू पहले वहाँ पे लगा रहा है क्या इसको? चलेगा, चलना अपने को। वैसे भी यहाँ पे लगा फिर वहाँ पे लगा, ऐसा ही है। एंड में तो बार एंड पे ही लगाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे लगा के दिखा दे कि कैसी दिखती है बाइक, ताकि हमारे बंदों को मालूम पड़े। देखते हैं अब कैसी लगती है। इतनी बड़ी बैग लेके जाता हूँ मैं रोज, लैपटॉप वैपटॉप सब डाल डाल के बाद इसकी एक्सेसरीज भी डाल देता हूँ अंदर। अभी इसमें से जो मिरर्स निकले वो यहाँ पे लगेंगे, और इसके जो निकलेंगे वो वापस बैग में जाएंगे। जिंगल बेल बन के निकलता हूँ भाई रोज। क्या बोल रहा है? तीसरी बार कांच लगा रहा है ये एक ही बाइक में, है ना सिराज? तो मिरर तो मुझे एट दी एंड बार एंड में ही लगाने, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टॉक की जगह पे भी लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगते हैं कैसे नहीं। फिर आप देख लो व्यू कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम बाद में वहाँ पे भी लगा लेंगे। वो तो मुझे भी आएगा लगाने, घर पे जाके मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पहले इसके पास से सीख लूँ, उसके बाद हम लगाएंगे। सही से बैठ गया? हाँ, बोल्ट इसी का ही है। ये हमारे हीरो है मिस्टर सिराज, मतलब हमारे नहीं, हमारी ड्यूक के। ऑरेंज कैंडी हमारी और चमक रही है देखो धूप में कैसी। और मिरर देख लो, एक मिरर दूसरा कैसे लग रहा है, और ये स्टॉक मिरर कैसा लग रहा है। तो अभी इसको टाइट करने के बाद ना ये ऐसा लगेगा, और ये ऐसा। तो सिर्फ एक साइड का बिठा के देख लेंगे कैसे दिख रहा है स्टॉक पे, दोनों साइड का नहीं बिठाऊंगा मैं। और जैसे ये फिट हो जाएगा उसके बाद उसको निकाल के वापस अपन बार एंड पे लगा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा उसका स्टॉक व्यू। अब इसको निकाल के हम लोग बार एंड पे लगा गए, हम लोग जैसे मतलब जैसे मेरे को चाहिए वैसे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। तो ये जो मिरर है ना, उसमें से हम ये वाला पार्ट निकाल दिए जो इसके लिए होता है। तो ये वाले पार्ट को हम यहीं पे फिक्स कर देंगे, और ये जो मिरर है ना वो डायरेक्ट इसके ऊपर लगेगा बार एंड निकालने के बाद। मैं दिखाता हूँ कैसे। हाँ, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा इसको नीचे रखना, ये लुक हाँ ऐसा दिखाई तो लगने। और इसको अगर नीचे वाला लुक देना रहेगा तो भी होएगा ना, ऐसे ही बता करके नीचे घुटने में लगेगा। पता है मेरे को, खाली दिखा कैसे करते हैं, क्या करना रहेगा उसके लिए? बस उल्टा निकाल के पूरा उल्टा करके ऐसे लगा दो। ओके चल ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना बार एंड मिरर फिट ऊपर का। ये जो अपना ओरिजिनल एलन की था उसके अंदर वही लगाया ना तूने? हाँ, तो इसका जो एलन की है ना अभी वो इसमें फिट कर देना। हाँ, ये तो टाइट करना पड़ेगा, वो तो बाद में बैठने के बाद चेक करेंगे ना जो भी है। फिर से चार कांच लेके घूमू क्या मैं? ये गोटियाँ हमेशा वापस आ जाती है भाई मेरे पास। बाकी किसी जो भी मुंबई महाराष्ट्र से है, मैकेनिक अपना ऑल सेट, और एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट कुछ भी चाहिए ना तो अपने बंदे की दुकान से ले लेना। नंबर वंबर किसी को भी चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं दोनों के नंबर दे दूंगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा क्योंकि फेमस लोग है भाई। तो जहाँ पे एक्सीलेटर है ना वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस वेस्टेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चिपक के रहा यहाँ पे तो ये एक्सीलेट हो नहीं पाएगा, ये जाम हो जाएगा, आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल बन जाएगी, तो फिर वो नहीं चाहिए हम लोग को इसमें अभी। तो डिस्टेंस डालना इंपॉर्टेंट है। तो अपनी गाड़ी ऐसे विठल कानिया बन के घूम रही है, एक साइड पे बार एंड और एक साइड पे स्टॉक, इसको बोलते हैं विठल कानिया लुक। लेकिन यार कुछ भी बोलो, ऑरेंज तो सेक्सी है। तो गाइस मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मतलब एक बंदे का मैसेज आया था, अच्छे से बात कर रहा था, गलत बात नहीं कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट ही वॉज लाइक कि मुझे आपके साथ रेस लगानी है, ये लगाना है वो लगाना है। मैं यहाँ पे रेस करने के लिए नहीं हूँ, ठीक है, आप जीते, यू आर ग्रेट। ये सब करने के लिए अगर मैं होता तो फिर मैं छपरी ही होता। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ छपरी, ना किसी और को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेस लगाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कंटेंट बनाने के लिए हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ। तो जिसको भी रेस वेस लगानी है तो यार बहुत बंदे पड़े रहेंगे, उनको मैसेज करो, उनको परेशान करो, मुझे मत करो, अच्छे से बात करनी, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हूँ, रेस वेस के लिए आई एम सॉरी। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने से बाहर के लोग हमसे टकरा टकरा के समझे, इससे अच्छा ऐसे ही रखो। मिरर अच्छा खासा बड़ा है, दिखाओ एक मिनट। तो
ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, अच्छा है मेरा। यूट्यूबर चैनल है? हाँ भाई, मैं ऐसे घर के लिए थोड़ी बना रहा हूँ ब्लॉग। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट, नाम आपको कहाँ लगा रहे हो? खाली मेरे को इसके ऊपर फिक्स करके रख दे, क्योंकि बाद में ये काट ना खा जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं तेरे को, और कुछ नहीं बोल रहा। अबे एल्युमिनियम हो रहा है, कुछ भी रहे, वो दिखेगा भी तो अच्छा। ये खड्डा लेके कहाँ पे घूमूंगा मैं, बराबर ना? समझाओ जरा इसको, बारिश के टाइम। हाँ अबे लगेगा तो कुछ तो अच्छा लगेगा कि भाई इसे लगाया क्या ये, और कभी मेरे को ये फिट करना रहेगा तो तुरंत लग जाएगा, समझा? तो इसको हमने फिट कर दिया, यहाँ से गोली निकलेगी, जो भी सामने से नहीं हटेगा ना उसको हम गोली मारेंगे इसमें से। तो सेम चीज़ यहाँ पे लगा रहे, आपको दिखाऊंगा सीधा फाइनल लुक बाइक पे बैठने के बाद। तो गाइस ये ऐसे ढक्कन आए बहुत सारे, ठीक है, तो ये जो पैकिंग है उसके ऊपर आप इसको ऐसे बिठा दो, ये वाला बैठेगा यहाँ पे, ये वाला जो है सिगड़ी वाला, तीन डॉट, वो तीन डॉट को मैच करना है ये तीन डॉट में, और ऐसे लगा दे, ये हो गया टाइट, नाइस। तो ये ऐसे भी रख सकते हो आप, या इसको अंदर भी रख सकते हो आप, और इसको भी, ये भी थोड़ा टाइट करना बाकी है, अभी थोड़ा बहुत ढीला है ये, इसको थोड़ा आगे देना वो हो जाएगा। हाँ सही है, ये सही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जय राम जी की, अच्छा लग रहा है। चल बड़ी, क्या हुआ, क्या हो गया, नाम ढूंढ रहे क्या? तो गाइस लग गए अपने मिरर, अब हो गया ना हैंडल फ्री, अब लग रहा है मस्त हल्का फुल्का। हो गई गाड़ी अपनी फिर से फ्लिकेबल, यार कितना फर्क पड़ता है यार हैंडल नहीं, ये मिरर्स निकालने के बाद इतनी स्टेबल, इतनी स्टेबल हैंडल, एकदम हल्का फुल्का। भाई मेरा सजेशन है डोमिनर वालों को भी, अगर आप लोगों को भी वाइब्रेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है अगर हैंडल पे, तो एक बार मिरर निकाल के देख लो गाइस। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत फ़र्क लग रहा है मिरर निकालने के बाद, और लगाने के बाद तो मैं पहले 10 मिनट में ही परेशान हो गया था, और अब देखो जैसे मैंने निकाला और थोड़ा एक्सेलरेट किया गाड़ी को, थोड़ा रैप किया, समझ गया भाई वाइब्रेशन हो गई गायब हैंडल पे से तो कम से कम। और ये देखो, आहा, अब चलाने को मज़ा आ रहा है, फ़र्क तो है भाई, फ़र्क तो है गाड़ी चलाने में, ठरक तो है। कांच थोड़े साफ करने पड़ेंगे, सिराज ने अपने आधार कार्ड का लिंक दे दिया फिंगरप्रिंट डाल डाल के। वो भाई साहब, तो जो लोग अभी कमेंट करने वाले कि भाई ऊपर नहीं नीचे लगाओ कांच को, मेरे पैर पे लगेगा भाई वो कांच, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े, वो छोटे वाले लगते थे, तो अगर आपको, तो फिर उससे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो सकता है, तो ये बेटर है। इसमें मुझे पीछे का आहा पूरा व्यू दिख रहा है यार। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि वो DM VM आप करो, DM कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बातें करो, अच्छा रिप्लाई दूंगा मैं, हर कमेंट को रिप्लाई देता हूँ मैं, हर DM को रिप्लाई देता हूँ। सिर्फ जिनको लेट रिप्लाई आता है तो उनका जो मैसेज रहता है वो रिक्वेस्ट बार में पड़ रहता है, क्योंकि मुझे उन्होंने फॉलो शायद नहीं किया रहेगा, इसलिए मुझे वो तुरंत मेरे DM में नहीं आता मैसेज, वो रिक्वेस्ट बार में पड़ रहता है DMs। लेकिन यार ये रेस वेस वाली बातें मत करो यार, आई नो अगर आप भी देख रहे हो जिसने ये मैसेज किया है, तो आई एम सॉरी भाई, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, रेस वेस करता नहीं हूँ, और मैं 100 के स्पीड के ऊपर जाता नहीं हूँ, देखो मैं 50 पे चला था भाई, मैं बहुत गाय इंसान हूँ, हम ऐसा भगाते ही नहीं है कभी, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं, वो सब तो अपने आप हो जाता है भाई कभी कभी, मटर गश्ती खुली सड़क पे। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो नए हो तो, चैनल को बढ़ाओ, हमारी मदद करो, और जल्द ही बहुत लंबी सी राइड पे हम निकलने वाले हैं, लेकिन ये संडे को हम जाएंगे एक ब्रेकफास्ट राइड पे थोड़ा और आगे। तो ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर आप लोगों को डेली और लाइव अपडेट्स चाहिए तो। जय राम जी की, मिलते हैं अगले व्लॉग में।